उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर गीता खन्ना ने सरकार को राज्य में चल रहे अवैध मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि देहरादून के जिस मदरसे में 30 बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली है वह मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग से पंजीकृत नहीं है। आयोग ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदरसा पिछले 10 से 12 सालों से चल रहा है जो कहीं भी पंजीकृत नहीं पाया गया है, जो जुमे में एकत्र किए गए चंदे से चलता है। बच्चों के बीमार होने के बारे में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा कि मदरसों में बाहरी बच्चों का पाया जाना निंदनीय है। आयोग ने कहा कि राज्य में ऐसी सभी संस्थाएं, साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर बच्चों के लिए चल रही संस्थाएं जो कि संबंधित बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनका सत्यापन किया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। और इस मदरसे में जिसमें हाल ही में जो बहुत चर्चा में आया है, यहाँ पर बच्चे बीमार होने की खबर पे ही हम गए थे और वहाँ जाके मैंने पाया कि ना तो वो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, ना वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड है, ना वहाँ पर आने वाले बच्चों का कोई प्रशासन को या पुलिस को ये खबर है कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और किस पर्पस से आ रहे हैं। मदरसा कायदे से इस्लामिक स्टडी का सेंटर है, वो रेगुलर स्कूल नहीं है। ये आरटीई में क्लॉज में बहुत साफ रूप से उल्लिखित है। हाँ, हम मदरसा वाले बिल्डिंग में ही एक शिक्षा का केंद्र भी खोल सकते हैं, एक प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, अपर प्राइमरी खोल सकते हैं, जिसको हम शिक्षा विभाग से फिर एक स्कूल की तरह मान्यता प्राप्त करते हैं। फिर उसमें बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें, मिड डे मील और बस्ता, जो कुछ भी सुविधाएं सरकारी स्कूलों की हैं वो उनको भी मिल जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप मदरसे की तरह रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन आपने स्कूल की तरह, तो वो ना स्कूल की तरह रजिस्टर्ड थे। तो मेरा सवाल उनसे और बाकी ऐसे सभी संचालित जगहों से है कि वो किस प्रारूप में, किसकी आज्ञा से, किस नियम के तहत कोई भी स्थान चला रहे हैं।